ये अमृत है, हमारे बैंक में पीओ है। आरती के साथ साथ हमने सोचा कि क्यों ना अमृत और सृष्टि भी एक दूसरे को अच्छे से जान ले। भाई जीवन एक साथ बिताना है तो फिर एक दूसरे को समझना भी तो जरूरी हो जाता है। ये आरती मेरी बेटी सृष्टि और मेरे मित्र का बेटा अमृत करेंगे। अमृत बेटा आरती कीजिए। सृष्टि बेटा आ जाओ, आरती करो। यजमान ऐसे बीच में आरती नहीं छोड़ सकते, ये तो बहुत बड़ा शगुन होता है। पापा आप आरती पूरी कीजिए, हम सृष्टि को घर लेके जाते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी लेके जाओ। सार्थक जल्दी से सृष्टि को उठाओ। आइए आरती संपन्न करते हैं। हाँ जी आइए चल। भाभी आप दरवाजा खोलो, मैं सारंग बोल रहा हूँ। कैसी लगी हमारी आरती? तुम्हें तो नाटक कर रही थी बेटा, तुम्हें तो हम बाद में बताते। सार्थक भाभी पानी लेकर आइए ना। मैं क्या जरूरत थी नाटक करने की, पता है कितना घबरा गया था। अच्छा चक्राती की आरती है और वो हम सिर्फ तुम्हारे साथ करेंगे। प्यार की इस कांच पी पागल हो तुम। वो तो मैं। सार्थक वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ बोलो साचे दरबार की जय। बोलो साचे दरबार की जय। मम्मी हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे ऐसे कोई खड़े खड़े बेहोश हो जाता है का? ए माता दी। जय माता दी। मैं तो लगता है इस सृष्टि को उस लड़के के साथ आरती करनी ही नहीं थी। जय माता की दी। इसीलिए ना सारा नाटक रच रही है वो। अरे इस लड़की के नाटक की बारीकियां जानते हैं हम, और इसीलिए ना हम इस बात के सच तक पहुंच के रहेंगे। जय माता की। मम्मी कान के पर्दे फाड़ दोगे क्या? कम से कम तुम दोनों आरती के समय तो पंचायत ना किया करो। साचे दरबार की जय। पंचायत नहीं है, अरे तुम ही तो कहते हो सच को आंच नहीं, अब सच को झूठ के चंगुल से छुड़ाना है। बस उसी की योजना कर रहे हैं और आप कह रहे हो पंचायत कर रहे हैं। शायद स्ट्रेस की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया, अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल है। जो मेडिसिन मैंने लिख के दिए हैं वही कंटिन्यू कीजिए। लेकिन सृष्टि दीदी को किस बात का स्ट्रेस? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वो जगराते की भागदौड़ की वजह से हो गया होगा। ठीक है मैं चलता हूं। मैं देखता हूं। ठीक है डॉक्टर साहब
इतनी बड़ी नौटंकी होना दो। सृष्टि बेटा अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? जी पापा ठीक है। सार्थक अब हम लोग आ गए हैं, तुम जा सकते हो। थैंक यू सो मच। देखा, बोला था ना इतनी भागदौड़ मत कर, थकावट के कारण चक्कर आ गया ना। अधीरा बेटा जाकर इसके लिए थोड़ा सा नींबू पानी लिया। सृष्टि जी आप ठीक तो हो ना? जी गुड, थैंक गॉड, कुछ सीरियस नहीं है। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। आई एम सॉरी, तुम इतनी दूर से यहाँ आए और उसे ठीक से बात भी नहीं कर पाए। सॉरी की कोई बात ही नहीं है अंकल, पर वैसे भी ये ऐसी सिचुएशन बता के थोड़ी ना आती है। मैं चलता हूँ। अब तारण जी तुम छोड़ के आप हार कर। नहीं नहीं अंकल आप बहुत फॉर्मल हो रहे अभी, आप फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, मैं चले जाऊंगा। और सृष्टि जी आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर। बताओ बे कैसी है सृष्टि भाभी जी? यार तुम बड़े बदतमीज आदमी हो, ऐसे सड़क पे कचरा कौन फेंकता है? हाँ हाँ ज्यादा प्रधान न बनो, अब हम तुमसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं और तुम अभी केले के छिलके के बारे में बात कर रहे हैं। अब बताओगे? ठीक है। अब एक बात बताओ, वैसे तो सृष्टि जी तुमसे सारी बातें शेयर करती है, तो इतनी बड़ी बात तुमसे कैसे छुपाई? भाई नहीं है, उन्हें खुद को नहीं पता ले तुम के पापा ने सरप्राइज दिया है उसे। अरे वाह, खुद ही सरप्राइज हो गए। सही है बेटा, सही है। तुम ना ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, हमारा दिमाग पहले ही झंझनाया हुआ है। आ गए राजकुमार, कहो तो इनका वेलकम करे फुल कनपुरिया स्टाइल में। देखो तुम कोई बदतमीजी नहीं करोगे, तुम जाओ यहां से। मेरी तरफ क्यों आ रहा है? एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी मेरी। ओ सॉरी। Hi, I'm Amrit. Hi, I'm Sarthak. Nice to meet you, Sarthak. Nice to meet you too. पापा आपसे एक बात पूछें। हाँ बेटा। आपने आज अचानक हमें अमृत के साथ आरती करने के लिए क्यों कहा? तुम समझी नहीं ना? क्या? बेटा हम तुम्हारे और अमृत के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगा तुम दोनों साथ में आरती करोगे तो देवी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा तुम दोनों। आपने सृष्टि जी कितनी हेल्प की, उनको घर तक लेके गए, इसलिए थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है, सृष्टि दोस्त है हमारी और हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है। सही, आपने सही कहा। नहीं एक्चुअली हमारे रिश्ते की बात चल रही है और मैं उन्हें पसंद भी करता हूँ, तो मैं थोड़ा कंसर्न हो गया था। अभी तक तो हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है, हम कुछ करना चाहते हैं और हमारा करियर, हमें अभी शादी नहीं करनी। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम अभी शादी करो, भाई पूरा एक साल पड़ा है, एक दूसरे को देखो जानो समझो उसके बाद सोचेंगे शादी के बारे में, अभी तो सिर्फ बात पक्की होगी। सोचो तुम दोनों एक ऊंचे ऑफिसर्स के पद पे रहोगे एक साथ, इससे अच्छी लाइफ और क्या हो सकती है भला? वाह ससुर जी, बहुत गजब का चक्कर भी रचा है आपने, जिससे सृष्टि का निकलना अब
तो नामुमकिन है। अब तुम ज्यादा सोचो मत, आराम करो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। टेक रेस्ट। एनीवेज नाइस मीटिंग यू, चल बाय। अगर अंकल इस टाइप का और ऐसी पोस्ट वाला लड़का देख रहे हैं सृष्टि के लिए, तो हमारी तो इन सब के सामने कोई औकात ही नहीं, तो फिर हम कहाँ खड़े होते हैं उसकी जिंदगी में। मम्मी, आज तो जगराती का भंडारा है ना, तो खाना बनाने की तो कोनो जरूरत ही नहीं है, है ना? अरे नहीं नहीं, एक तो दिन तो चूल्हे चौके से जो है फुर्सत मिल रही है। मम्मा, देखो हमने ड्राइंग बनाई है। अरे वाह, हमारा भांजा तो बहुत टैलेंटेड है। चलो दूसरी पेंटिंग बनाते हैं। मम्मा ये सब छोड़िए, बताइए मत काट का है। आप बेटा कार तो आ जाएगी, अभी यहाँ कार बनाते, चलो आ जाओ। सार्थक बेटा, दृष्टि बेटी आप कैसी है? अभी ठीक है पापा। इसे सार्थक, वो लड़का कौन था महंगी कार वाला? ओ, दृष्टि और उसके रिश्ते की बात चल रही है शायद। अरे वाह, लड़का तो बहुत ही अच्छा है, सृष्टि जैसी सीधी साधी बिटिया के लिए बहुत ही अच्छा लड़का है। मम्मी जरा गैस तो देखिए ना, हम आते हैं। वैसे एक बात कहें, लड़की तो हमारे ढूंढ रहे हैं हमारे सार्थक के लिए, सुंदर सुशील और सर्वगुण संपन्न, जो हमारी खूब सेवा करेगी और घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, और हमें जो है ना मुक्ति मिल जाएगी इन सब जिम्मेदारियों से। एक बात बताओ भारती। लो कोई पूछ लीजिए। बहू ढूंढ रही हो या काम वाली? आप है ना बस ताना मार लीजिए हर बात पे हमारे। जिस दिन लाएंगे ना सर्वगुण संपन्न बहू हमारी पसंद की, तब बहू देखते रह जाएंगे। हाँ ठीक है भाई। सृष्टि और उसके रिश्ते की बात चल रही है शायद। लो सृष्टि तुम्हारी दवाई। वैसे एक बात कहें सृष्टि, अमृत बहुत अच्छा लड़का है, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। ऐसा फंसी है इस बार ननद रानी की, दिमाग की बत्ती और मुंह की जबान सब बंद है। कैसे बताएं पापा को कि हम सार्थक से प्यार करते हैं, उसके सिवा किसी और से शादी करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बिना बीमारी दवाई जहर होती है। काहे किया नाटक, क्यों किया, हमें कुछ नहीं जानना, ना हम कुछ पूछ रहे हैं।
इतना बताए रहे हैं कि सिर्फ तनाव से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उसके लिए शांत मन जरूरी है और हम तुम्हें हर फैसले में साथ हैं। थाती, हमें अभी शादी नहीं करनी है। तो मत करो, हम बैठे हैं या देखते हैं किसकी हिम्मत है तुम्हारी मर्जी बिना तुम्हें मंडप पे बिठाए। अब पापा से बात कीजिए ना, उन्हें समझाइए, वो ऐसे अमृत को आज, हम अभी अमृत से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है दादी। ठीक है बिटिया, घबराओ मत, बस ठंडे दिमाग से सोच समझ लो, फिर जो फैसला करोगे हम तुम्हारे साथ निभाएंगे। थैंक यू सर। अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो हमें बताए दो, हम बुआ से बात कर लेंगे। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? कुछ नहीं दादी, हम अभी बस अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, किसी रिश्ते पर नहीं। ठीक है बेटा, आराम करो। आज हमें हर हाल में मिलना है, पर हाँ छत पर मत आना, भंडारी की तैयारी चल रही है, पंप हाउस में मिलते हैं। करना सृष्टि, पर हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अमृत से हो, क्योंकि जितने बड़े घर में तुम जाओगी उतना सुखी तुम्हारा जीवन होगा, और पापा जी की सारी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम औकात से नीचे वाले लड़के के साथ प्यार मोहब्बत करो, ताकि यहाँ हमारे सर पे बैठी रहो, क्योंकि जितना दूर तुम जाओगी उतना सुकून हमारे जीवन में होगा। तो बस अपने सुनहरे भविष्य के लिए हमें तुम्हारा ये रिश्ता सबके सामने लाना ही होगा। भगवान ना करे अगर तुम्हारे अलावा हमारी किसी और से शादी हो गई ना तो हम मर जाएंगे। ऊपर देखो, दोबारा ये मरने की बात मत करना, हम आग लगा देंगे हर उस वजह को, हर उस ख्याल को जो तुम्हें हमसे अलग करे। जब तक हमारी सांसें चल रही है ना, तब तक हमें इस रिश्ते पर कोई हच नहीं आने देना। तुम्हारे पापा का क्या है, ये अचानक रिश्ते की बात कहां से आ गई? क्या बताएं सार्थक, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा, पापा ने हमसे पूछे बिना ही जाकर अमृत के घर में रिश्ते की बात कर ली, बताओ क्या करें हम? मिला था हमें नीचे, मन किया कि एक कंटाप देकर ना उसके सर से शादी का भूत उतार दे, पर ना हमारा चेहरा सामने आ गया इसलिए छोड़ दिया उसको। अच्छा किया सार्थक, जो तुमने कुछ नहीं किया, तुम जानते नहीं हो अगर अमृत को एक खरोंच भी आती ना
तो पापा हम दोनों के भविष्य पर हमेशा के लिए तलवार चला देते। अभी तो बड़ी आरती उतार रहे ना हमारी। देखा नहीं तुमने कैसे पैसा और स्टेटस देखकर जो है तुम्हारा रिश्ता तय करने की बात कर रहे हैं? अरे पीओ ही तो है वो। तुम हमें थोड़ा सा वक्त दो, हम उससे भी बड़े अफसर बनकर दिखाएंगे तुम्हें। सार्थक, हम तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं। सार्थक, हम जानते हैं, हमें पूरा भरोसा है तुम पर। और तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की? सार्थक, हम तो खुद पूरी कोशिश कर रहे कि किसी भी तरह ये रिश्ता बस खत्म हो जाए। हमने दादी से भी बात की है, बल्कि दादी ने हमें यकीन दिलाया है कि हमारी मर्जी के खिलाफ वो हमारी शादी नहीं होने देगी। बस किसी भी तरह पापा मान जाए। तो दादी को पता है हमारे रिश्ते के बारे में? नहीं, पर अगर उन्हें पता होता भी तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। सार्थक, तुम जानते नहीं हमारे पापा को कितने जिद्दी हैं। अगर एक बार कुछ ठान लेना तो ब्रह्मा भी आकर उनकी बात को टाल नहीं सकते। पता है सार्थक, तुम्हारा नाम लेने भर से ना हमारे दिल को सुकून मिलता है। और जब हम यूं तुमसे मिलने आते हैं, तुम्हारे साथ दो पल सुकून के बिता पाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जैसे हमारे दिल का पेट भर गया हो। भगवान ना करे, हम सच बता रहे हैं, अगर तुम्हारे अलावा हमारी किसी और से शादी हो गई ना तो मर जाएंगे। ऊपर देखो, दोबारा ये मरने की बात मत करना। हम आग लगा देंगे हर उस वजह को, हर उस ख्याल को जो तुम्हें हमसे अलग करे। जब तक हमारी सांसें चल रही है ना, तक हमें इस रिश्ते पर कोई हंच नहीं आने है, समझ रहे हो तुम? और हां, हम बहुत जल्द हमारे प्यार के बारे में सबको बता देंगे और पूरे हक और बड़े रुतबे के साथ, पौधे के साथ तुम्हारे पापा के पास तुम्हारा रिश्ता मांगने जाएंगे। और फिर देखते कि वो कैसे इस रिश्ते के लिए मना करते। सार्थक, हम तो खुद दिन रात अम्बे माँ से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पल जल्द से जल्द आ जाए जब हम सबको अपने प्यार के बारे में बता पाए, हमें यूं छुप छुप के ना मिलना पड़े। दरवाजा नहीं खुल रहा। जागरण के चक्कर में टंकी खाली होगी। अब जरा पंप हाउस जाकर पानी चलवा दीजिए। अच्छा चलो, हम जाते हैं, जगराते का भी वक्त हो गया है। सार्थक, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, काम का बवाल हो जाएगा। चलो तुम भी आ जाओ, हम जा रहे हैं। कितना सैड सैड हो गए ना हम दोनों। प्यार की दो बातें किए बिना ही चली जाओगी? स्टैचू, तुम्हें रोना बंद करो। मैं जानती नहीं प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म भी अच्छी थी और हमें गाना भी बहुत पसंद है, पर ये सब ना फिल्मों तक सीमित रहे तो ही बेहतर है। असल जिंदगी में हमें ऐसे बवाल पालने का कोई शौक नहीं है। अब चलो, अब हम जा रहे हैं, पापा को पता चल गया तो बवाल मचा देंगे। बाय। Na 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 na
था कि दरवाजा नहीं खुल रहा। किसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया? लेकिन किसने? घर में पानी नहीं आ रहा, वो लगता है जागरण के चक्कर में टंकी खाली होगी। अब जरा पंप हाउस जाकर पानी चलवा दीजिए।